आगे कभी सरेंडर करेगा, लेकिन कश्मीरी ऐसा नहीं है कि अगर अभी कश्मीर से आवाज बहुत धीमी आवाज बाहर निकल रही है, लेकिन आवाज बाहर निकल रही है। मैं यहाँ पे, मैं कश्मीर की आवाज हूँ, मैं कश्मीर हूँ इस टाइम पे जो बोल रहा है। मेरे में जो ये गुस्सा है, ये कश्मीर के अंदर गुस्सा है। आपने मेरे से मेरी जमीन छीनी, आपने मुझे मेरे घर में बेघर कर दिया, और आप चाहते हैं कि मैं बिल्कुल खामोश रहूं? नहीं। और आप मेरे आंसुओं को नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये बता रहे हैं कि मुझे बोल रहे हैं आप स्माइल कीजिए, और ये बता रहे लोगों को मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन आप मुझसे तो पूछिए कि मैं कितना खुश हूँ। तो अहिराम, मैं देखिए मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी, क्योंकि हर एक के प्रोटेस्ट करने का अपना एक तरीका होता है। मैं अपने तरीके से प्रोटेस्ट कर रही हूँ, मैं अपने कलम के जरिए प्रोटेस्ट कर रही हूँ, लेकिन वो इंसान जिसके घरों में घुस के सीआरपीएफ वालों ने उनकी माँ बहनों के साथ गलत किया है, और इस आड़ में आके अफसपा AFSPA अफसपा की आड़ में आके जो जिस जिस जवान को फेस करना पड़ा, वो तो उठ के, उनके हाथ में तो पत्थर ही है ना। मैं किसी भी चीज को जस्टिफाई नहीं कर रही, लेकिन जरा ध्यान रखिए इस चीज पे, हमारे हाथ में क्या बच गया? आपने तो हमें कहीं पे नहीं, आपने हमें बस इस हद तक लाके रख दिया है कि हम बस चुप करके ऐसे देखते रहे कि कब खुले, कब हमें अपने घरों से बाहर आने की इजाजत मिल सके। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि वो चीजें कम होंगी या वो गांधी का रास्ता चुनेंगे, हम भी गांधी के रास्ते को ही चुनना चाहते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें रहने नहीं दिया उस रास्ते पे। हम पे ऐसी ऐसी चीजें, हम पे ऐसे ऐसे ब्रूटल डिसीजन हम पे इम्पोज किए गए, और वो भी हमें बताए बिना। आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि एक सब्र की भी एक इंतहा होती है, एक डिक्टेटरशिप की भी एक इंतहा होती है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमारे सब्र का भी कोई हद है ना, एक लेवल ऑफ पेशेंस है हमारी भी, हम इतना सब्र नहीं कर सकते कि आप इतना हम पे इम्पोज करते रहे और हम फिर बिल्कुल चुप करके सहते रहे और कहते रहे कि हाँ जी हम गांधी के रास्ते पे। बाकी गांधी नेता थे, हम भी उनको मानते हैं, हम भी गांधीगिरी पे ही चलना चाहते हैं, लेकिन आपने हमें मजबूर किया है पत्थर उठाने पे, इस बात को समझिए। पहले गोली चली, उसके बाद पत्थर। सफर कश्मीरी मुस्लिम ने भी किया, तो मुझे दर्द बराबर का है। मैं एज अ पंडित भी अपना दर्द बयान कर सकती हूँ, मैं एज अ मुसलमान भी अपना दर्द बयान कर सकती हूँ, मैं लद्दाखी का भी दर्द बयान कर सकती हूँ, मैं जम्मू वाले का भी दर्द बयान कर सकती हूँ। तो मुझे ये कह के डिवाइड करने की कोशिश ना करें, और अपने इन गंदे ख्याल को इन चीजों के पीछे छुपाने की कोशिश ना करें। जैसा कि आप खुद कह रहे हैं, जो कश्मीर के लिए बोलता है, हम क्यों ना बोले? हमारी आपने ऐसी हालत कर दी है, पिछले 70 से ज्यादा दिनों में आपने हमें हाउस अरेस्ट करके रखा है, कश्मीर को आपने स्टैगनेट करके रखा है, हम बात क्यों ना करें? मुझे आप ये बताइए, जिस एबनॉर्मल सिचुएशन को आप नॉर्मल सी कह रहे हैं, कश्मीर के स्टूडेंट की बात लीजिए। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे कश्मीर से भाग के आना पड़ा, क्यों? क्योंकि मुझे आगे कोई फ्यूचर ये भी नजर नहीं आ रहा था वहाँ पे। आपने कश्मीर को 70 साल पीछे धकेल दिया है, तो हम क्यों ना आवाज करें, हम क्यों ना आवाज उठाएं अपनी? हम आवाज उठाएंगे भले ही आपकी नजर में वो देशद्रोही है। अगर मैं आप ही की हिस्ट्री में से आपको एग्जांपल दे दूं, जब भगत सिंह ने आवाज उठाई थी, उनको भी अंग्रेजों ने देशद्रोही और टेररिस्ट का नाम दिया था, लेकिन हम जानते हैं भगत सिंह वाज़ अ रेवोल्यूशनरी। सो बोलने दीजिए इनको जो ये बोलेंगे, हम जानते हैं हम क्या काम करें। सरकार का दावा तो है कि धारा 300 के हटाए जाने से जो समृद्धि आएगी। देखिए ये वैसी बात फिर हो रही है कि इनको अपने अपने जो इन कारनामे अंजाम दिए हैं, जो इन ब्लंडर्स किए हैं, उनको जस्टिफाई करने के लिए इनको कुछ ना कुछ तो करना है। और जैसा कि इनने मीडिया हाउसेस में भी इतनी पाबंदियां लगा रखी है, जैसा हम देख सकते हैं कि मीडिया भी ओपनली आवाज नहीं निकाल पा रहा है अपनी, क्यों? क्योंकि उनको उनपे भी अभी हमारा जो सरकार है, सरकार का एक वो नाजी एरा मुझे लग रहा है हमारे सामने आया हुआ है, बिल्कुल वैसा ही हिटलर राज चल रहा है हमारा। तो उस वजह से कि जो असल बात है वो सामने नहीं आ रही है। आप डेवलपमेंट वगैरह का बोल रहे हैं, अभी आजाद साहब ने भी कहा कश्मीर खुद अपनी GDP संभाल सकता है। भैया आप अभी अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दीजिए, आप बाद में कश्मीर की डेवलपमेंट की बात।